Hello everyone, I welcome you all in today's physics session. In this session, we are going to start our new lesson, sound. Sound means dhoni. तो ये dhoni, sound, कैसे produce होता है, कैसे create होता है, ये हम आज की class में study करेंगे. Sound हमें क्यों सुनाई देता है, उसके लिए क्या necessary condition है, इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सी, ये कुछ साउंड के एग्जांपल्स हैं. ह्यूमन, हम जब किसी के साथ बात करते हैं, किसी के साथ झगड़ा करते हैं, तो हमारा मतलब साउंड सुनाई देता है. अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यानी कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप मेरी साउंड सुन रहे हैं. तो एक्चुअली साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है. ए बर्ड, बर्ड की भी साउंड आती है. बर्ड मीन्स बर्ड भी कुछ बोलते हैं या उनकी कुछ अलग आवाज़ होती है. व्हीकल्स, व्हीकल्स में जो हॉर्न बजता है या व्हीकल स्टार्ट होती है तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है. टेलीविज़न, टेलीविज़न पर हम हमारे पसंदीदा प्रोग्राम्स देखते हैं तो उसमें भी साउंड प्रोड्यूस होता है. एंड रेडियो, रेडियो पर आप न्यूज़, सॉन्ग्स ये सब सुनते हैं. तो एक्चुअली ये हमें क्यों सुनाई देता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, वही हम स्टडी करेंगे. और भी सारे साउंड्स के एग्जांपल हैं. तो दिस इज सम एग्जांपल ऑफ साउंड, यानी कि इसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है. तो हम देखते हैं साउंड प्रोड्यूस कैसा होता है, हमें क्यों सुनाई देता है. प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड का निर्माण, यानी कि साउंड कैसे उत्पन्न होता है और कैसे सुनाई देता है. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ क्रिएटिंग अ फॉर्म ऑफ वेव. साउंड एक एनर्जी है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड एक एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है एंड इट इज कैरिड इन अ फॉर्म ऑफ वेव. एंड द एनर्जी इज कैरिड इन द फॉर्म ऑफ वेव, और वो एनर्जी वेव के फॉर्म में क्रिएट होती है. अब देखिए, हम जब क्लैप्स करते हैं, हम जब हमारे हाथों पर क्लैप्स करते हैं तो हमारी जो मस्क्यूलर एनर्जी वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है. हम जब ऑडियो या टेलीविजन या रेडियो ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू साउंड एनर्जी. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हमें ऑडियो सुनाई देता है, यानी कि कुछ आवाज़ सुनाई देता है. तो वो जो साउंड होता है वो फर्स्टली इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हर एक साउंड एनर्जी के फॉर्म में होता है. एंड इट इज़ अ कैरिड इन अ फॉर्म ऑफ वेव. साउंड एक वेव फॉर्म है, साउंड वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है और सुनाई देती है. नेसेसरी कंडीशन टू प्रोड्यूस साउंड, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल. नेसेसरी कंडीशन क्या है, मेन वाइब्रेशन. किसी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट होता है, कोई ऑब्जेक्ट, तो उससे हमें साउंड सुनाई देता है. मीन्स हर एक चीज़ जिसमें साउंड प्रोड्यूस होता है पहले वो वाइब्रेट होती है और फिर हमें साउंड सुनाई देता है. वाइब्रेशन मीन्स टो एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजिशन. टो एंड फ्रो मीन्स बैक एंड फोर्थ पोजिशन. बैक एंड फोर्थ पोजिशन मीन्स वाइब्रेशन. अब देखिए, एक ड्रम है और उस पर आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया, यानी कि इस पर फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले वाइब्रेट होगा और उसके बाद हमें साउंड सुनाई देगा. तो फर्स्टली मेन कंडीशन फॉर साउंड इज वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. पहले ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है और वो वाइब्रेशन हमें साउंड सुनाई देते हैं. व्हेन वी हिट अ ड्रम, मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम वाइब्रेट एंड प्रोड्यूसिंग साउंड. जब हम ड्रम पर हिट करते, देखिए इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, यानी कि हिट किया है, ड्रम को हिट किया है, तो ड्रम क्या करता है, ड्रम वाइब्रेट होने लगता है. देखिए, दिस इज अ वाइब्रेशन एंड देन साउंड इज प्रोड्यूस. पहले ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है फिर साउंड प्रोड्यूस होता है.
सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, वेन वी प्ले अ गिटार द स्ट्रिंग ऑन इट्स मेक टो एंड फ्रो मोशन एंड प्रोड्यूस अ साउंड. जब गिटार की स्ट्रिंग, हर एक म्यूजिकल कुछ ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्ट्रिंग यूज की जाती है, जब हम इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट करेंगे, उस पर स्ट्रिंग को हम वाइब्रेट करेंगे तो क्या करेगी, टो एंड फ्रो मोशंस मीन्स वो उसमें से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे, और टो एंड फ्रो पोजिशन मीन्स बैक एंड फोर्थ, वो ओरिजिनल पोजिशन पे जाएगी फिर बैक मीन्स बैक जाएगी फिर आगे आएगी, मीन एंड एक्सट्रीम पोजिशन, तो उससे वो वाइब्रेट होगी और साउंड प्रोड्यूस होगा. थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, ट्यूनिंग फॉर्म. साउंड इज प्रोड्यूसेस बाय वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्म. आई होप आप सबने ट्यूनिंग फॉर्क देखा होगा. ट्यूनिंग फॉर्क को अगर जब हम हिट करते हैं किसी रबर पैड पर, तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि बैक एंड फोर्थ पोजीशन, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है. तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, हर कोई ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट होता है मीन्स टो एंड फ्रो पोजिशन में जाता है, बैक एंड फोर्थ पोजिशन में जाता है, तब साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उसमें से साउंड निकलती है. तो दिस इज अ प्रोडक्शन ऑफ साउंड. सी, साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. अभी तो हमने देखा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है. तो सी, दिस इज द मेन कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड. हर कोई ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट होता है तभी उससे साउंड निकलता है. व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लक वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस अ साउंड. अभी हमने देखा एक ड्रम को अगर हमने हिट किया तो वो क्या करता है, अगर ये ड्रम को हमने हिट किया तो वो वाइब्रेट होने लगता है और उसमें से आवाज और साउंड प्रोड्यूस होता है. व्हेन स्टॉप वाइब्रेटिंग इज डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड. अगर हमने उसे हिट नहीं किया तो उससे साउंड प्रोड्यूस नहीं होता. अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज अ सोर्स ऑफ साउंड मीन्स साउंड का मेन सोर्स क्या है, वाइब्रेटिंग बॉडी. कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ साउंड. वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड. हर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करती है. वाइब्रेशन मीन्स ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ रैपिडली टो एंड फ्रो पोजिशन मोशन. टो एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ पोजिशन. देखिए अब ये बेल में से आपको साउंड सुनाई देती है. आपके स्कूल में जब ब्रेक होता है तब बेल आपको सुनाई देती है. तो एक्चुअली उसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, देखिए ये जो मिडल वाला पोर्शन है ये अगर यहाँ पे होगा तो होगी इसकी मीन पोजिशन, और जब हम इसको यहाँ पर उस पर हिट करते हैं इस पोर्शन पर तब वहाँ पे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी कि बैक एंड फोर्थ पोजिशन, टो एंड फ्रो. तो यहाँ पे अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं और वो वाइब्रेशन हमें सुनाई देते हैं और इसकी वजह से आवाज़ निकलती है. तो हर एक ऑब्जेक्ट अगर हम वाइब्रेट करते हैं उसमें से वाइब्रेशन होती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है. तो बेल में से ऐसे साउंड प्रोड्यूस होता है. तो अब ये तो हो गया प्रोडक्शन ऑफ साउंड. साउंड किन ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होती है और उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. वाइब्रेशन, अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है. अब हम देखेंगे प्रोपागेशन ऑफ साउंड. ये साउंड ट्रैवल कैसे करती है और हमें सुनाई कैसे देती है, दिस इज अ प्रोडक्शन ऑफ साउंड. नाउ वी विल स्टार्ट प्रोपागेशन ऑफ साउंड. हाउ साउंड इज प्रोपागेटेड. सी स्टूडेंट्स, अभी हमने तो देखा हर कोई ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करती है तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, बट इस साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है. मीडियम वो कोई भी हो सकता है, मटेरियल, एयर, लिक्विड, गैस, किसी भी मीडियम में साउंड ट्रैवल होता है.
तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो साउंड कैसे प्रोपागेट होता है, देखिए अब ये एक साउंड है, सपोज म्यूजिकल कुछ स्पीकर या क्या कहे उसे प्रॉपर वर्ड, इसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। ये पहले वाइब्रेट होगा, तो वाइब्रेट तो होगा बट हमें साउंड कैसे सुनाई दे रही है। तो देखिए अब हम जब इसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रही है यानी कि वो वाइब्रेट हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ एयर मॉलिक्यूल्स हैं। जब ए वाइब्रेट होता है तो एयर मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट होते हैं। तो ये जब एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं तो उसके पास वाले एयर मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट होते हैं। ये पहले वाले एयर मॉलिक्यूल उनकी पोजीशन चेंज नहीं करते, वो है मतलब ये एज इट इज़ रहते हैं, बट वे वो जब वाइब्रेट हो रहे हैं तो उनके पास वाले एयर मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट होने लगते हैं। अगर ए वाइब्रेट हो गए तो एयर मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट होंगे, उसके पास वाले एयर मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट होंगे, फिर ए भी वाइब्रेट होंगे, और ये वाइब्रेशन हमारे कान को सुनाई देती है एंड हमें साउंड सुनाई देती है। सो दिस इज़ द प्रोपागेशन ऑफ साउंड। साउंड कैसे सुनाई देती है, देखिए इसमें से जब हम इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, मींस ये वाइब्रेट होने लगेगा। वाइब्रेट होने लगेगा तो एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होने लगेगी, बट ए मॉलिक्यूल उनकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, उनके पास वाले एयर मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेंगे। अगर ए वाइब्रेट हो रहे तो ए भी वाइब्रेट होंगे, उसके पास वाले वाइब्रेट होंगे, उसके पास वाले वाइब्रेट होंगे, ऐसे साइकिल चलती रहेगी। और हमारे एयर ईयर के पास जो भी कुछ एयर मॉलिक्यूल्स है वो भी वाइब्रेट होंगे और हमें साउंड सुनाई देगी। सो दिस इज़ अ प्रोपागेशन ऑफ साउंड। और इनके पास एक काइनेटिक एनर्जी, पहले ही हमने देखा है साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड एक एनर्जी के फॉर्म में है, तो इन एयर मॉलिक्यूल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो वो एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करेंगे और हमें साउंड सुनाई देगा। देखिए वही देखेंगे हम प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव, कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है वो तो हमने देख लिया। अब देखिए प्रोपागेशन ऑफ साउंड, ये तो हमने देख लिया कि इसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी यानी कि वो वाइब्रेट होगा। अगर आपको इसके वाइब्रेशंस देखने हैं तो आप अगर इस पर कुछ पेपर राइडर डालोगे तो वो पेपर राइडर मूव करने लगेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वो डांस करने लगेगा। तो हम वहाँ देख सकते हैं कि वाइब्रेट पेपर राइडर वाइब्रेट हो रहा है यानी कि उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रही। जब ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो इस एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट होंगे, उसके पास वाले हर एक एयर मॉलिक्यूल का लेयर वाइब्रेट होगा, और ये वाइब्रेट होकर जो हमारे ईयर के पास जो एयर मॉलिक्यूल का लेयर है वो भी वाइब्रेट होगा और वो हमें सुनाई देगा। ये तो हमने देख लिया, बट हम देखेंगे कॉम्प्रेशन एंड रेरिफेक्शन। हमने पहले ही देखा है साउंड इज अ फॉर्म ऑफ अ वेव, साउंड एक वेव है। तो कैसे वेव है, देखिए अब ये एयर मॉलिक्यूल का लहर है, ये जब वाइब्रेट हो रहे तो वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा यानी कि कुछ एयर मॉलिक्यूल हाईली वाइब्रेट होंगे, हाई प्रेशर से वाइब्रेट होंगे, और कुछ एयर मॉलिक्यूल लो प्रेशर से वाइब्रेट होंगे। देखिए यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहे बट इस रीजन में एयर मॉलिक्यूल कॉम्प्रेस कर रहे यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर है, बट यहाँ पे इन रीजन में एयर मॉलिक्यूल कॉम्प्रेस नहीं कर रहे यानी कि वहाँ पे लो प्रेशर है। अगेन यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, तो ये जो हाई प्रेशर है उसे हम कहेंगे कॉम्प्रेशन एंड जो लो प्रेशर है उसे हम कहेंगे रेरिफैक्शन। सो दिस इज अ साउंड वेव, मीन्स देखिए कॉम्प्रेशन रेरिफैक्शन मीन्स क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर से कॉम्प्रेस करेंगे, मीन्स कॉम्प्रेस करेंगे हाई प्रेशर से, वो
वाइब्रेट करेंगे तो उसकी वजह से वो कॉम्प्रेस होंगे और कुछ एयर मॉलिक्यूल्स कॉम्प्रेस नहीं होंगे। तो हाई कॉम्प्रेशन को वही हम वहाँ पे हाई प्रेशर होता है और जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ पे होता है रेरिफेक्शन। तो इस तरह हमें साउंड सुनाई देता है। मैं फिर से रिवाइज करूँगी, प्रोपागेशन ऑफ साउंड, साउंड हमें कैसे सुनाई देता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो एयर मॉलिक्यूल, उसके पास वाले एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते तो वहाँ पे लेयर होता है एयर मॉलिक्यूल्स का। इस ऑब्जेक्ट में और हमारे एयर में कुछ डिस्टेंस है कुछ एयर मॉलिक्यूल्स है, तो पहला अगर पहला वाइब्रेट करेगा तो दूसरा वाइब्रेट करेगा, तो हर एक लेयर वाइब्रेट करेगी, मतलब उसके पास वाले एयर मॉलिक्यूल ए वाइब्रेट करेंगे और वो वाइब्रेशन हमें सुनाई देगा। और वाइब्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, तो वाइब्रेशन साउंड एनर्जी के फॉर्म में होगा। बट कुछ एयर मॉलिक्यूल क्या कॉम्प्रेस करेंगे, वो हाईली प्रोपागेट होंगे और कुछ एयर मॉलिक्यूल से कॉम्प्रेस नहीं करेंगे, यानी कि वहाँ पे लो प्रेशर होगा। सो जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ हम कहते हैं कॉम्प्रेशन, एंड जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ पे होता है रेरिफेक्शन। सो दिस इज़ अ प्रोपागेशन ऑफ साउंड। इस तरह हमें साउंड सुनाई देता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग दिस पॉइंट।